अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया। प्रोफेसर चंदन कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय के एक ऐसे हिंदी के न सिर्फ अध्यापक हैं बल्कि अपनी बात को रखने के लिए यहाँ पर इस पर काम करते रहे। मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा कि वो इस बारे में रखें कि ये नया मीडिया, ये न्यू मीडिया का डेवलपमेंट एक नई विश्व संस्कृति को हम आगे किस तरह से ले जा रहा है। हंसराज महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय की यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर रमा जी मंच पर उपस्थित, राहुल देव जी, राजश्री राय जी, अशोक जी, अनुराग जी, नृत्य गोपाल जी, डॉक्टर रमा मैम के टीम के कर्मठ सदस्य, मैं देख रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के प्राध्यापक शोधार्थी और देश के कई विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक बैठे हुए हैं। सबको मेरा प्रणाम। मैं इस दायित्व से पहले दिल्ली के महाविद्यालय में प्राचार्य था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई हुई। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि 30 वर्षों के जीवन में दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने हिंदी से जुड़ा हुआ इतना भव्य कार्यक्रम नहीं देखा। मैं कह रहा था रमा जी को जब मैं आया कि आपकी ट्रेन खुल चुकी है, जिसको बैठना है वो बैठ जाए। आप सभी, आपके टीम के सदस्य इस भव्य आयोजन के लिए बधाई के पात्र हैं। उन सबों को मेरी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर हम लोग एकत्रित हुए हैं, कल था। हिंदी का इलाका बड़ा मोभमी का इलाका है। मोभमी समझते हैं, धुंधलके का इलाका है, साफ साफ कुछ दिखता नहीं है। जो दिखता है वो भी सही सही होता है या नहीं होता है, मुझे इसमें भी संदेह है। आज जब मैं आया और देखा कि हिंदी का गुणगान हो रहा है, तो मैंने हल्के से इशारा किया कि विषय गुणगान का ही था या कुछ और है। पर मुझे, मैं एक रोचक प्रसंग याद दिलाकर, हम लोग बचपन में थे तो हमारे जो ट्यूटर थे हमें क्रिकेट मैच पर ऐसे पढ़ा रहे थे, याद दिलाया उन्होंने, हम सब रट के गए। अचानक जब परीक्षा में उपस्थित हुए तो हमें रेलवे जर्नी पर आ गया। फिर हमने लिखना शुरू किया कि वंस वी आर गोइंग बाय अ ट्रेन, वी आर 22 फ्रेंड्स, सडनली द ट्रेन स्टॉप्ड एंड वी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। मित्रों, जब आप हिंदी पर बात करें तो बहुत भावुक होकर बात न करें। हम लोगों की रोजी रोटी हिंदी से चलती है। देखिए, इस विषय में जो आज का विषय है, न्यू मीडिया और नई वैश्विक संस्कृति, तो कुछ तो मीडिया के प्लेयर बैठे हुए हैं। हम लोग विश्वविद्यालयों में मीडिया पढ़ाते हैं, मीडिया के चीयर लीडर्स हैं। मैं यह बात नई मीडिया और नई वैश्विक संस्कृति पर कह रहा हूं। हमारे देखते ही देखते एक नई दुनिया बनी है, और जब मीडिया पर बात हो रही है तो मैं सबको, आपको स्पष्ट कर दूं कि यह जो मीडिया है वो जेम्स अगस्टस हिकी, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, गणेश शंकर विद्यार्थी और महावीर प्रसाद द्विवेदी वाली मीडिया नहीं है। यह जो मीडिया है यह रूपर्ट मर्डोक, वार्नर ब्रदर्स, बेंट एंड कोलेमन और बिरला जी की मीडिया है।
अब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो वाली मीडिया नहीं है। चलो कोई अखबार निकाला जाए, हर किसी की टोपी उछाला जाए। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां एक मीडिया एक प्रोडक्ट है, एक उत्पाद है। मैं बहुत स्पष्ट ढंग से कह रहा हूं कि वार्नर ब्रदर्स और रूपर्ट मर्डोक समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, वे सत्य और न्याय की लड़ाई के लिए अरबों रुपया लगा कर नहीं बैठे हुए हैं। ये पूंजी के बड़े खेल हैं जनाब, इनके केंद्र में अर्थोपार्जन है। इसलिए जब इस मीडिया के साथ हिंदी के संबंध की व्याख्या करें तो मजनू मोड को छोड़ दें। यह जो आशिकाना रिश्ता है वो क्लासरूम तक का रिश्ता है। 70 के बाद की बनी हुई मीडिया वित्तीय पूंजी की लीला की मीडिया है। दुनिया के बड़े खेल नेस्टेक, डाउ जोन्स, निकेई और सेंसेक्स में हो रहे हैं। यह जो मीडिया है वो इंस्टेंट हीरोज पैदा कर रही है, तुरंत फुरत 2 मिनट नूडल्स की तरह। यह उन हीरोज को कंज्यूम करती है और उसे फेंक देती है। यह क्रूर खेल है, पूंजी का यह क्रूर खेल है, उसमें हिंदी ने एंट्री ली है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि इसे आप प्रोडक्टिव कैपिटल की शब्दावली में नहीं समझ सकते हैं। यह समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और कल्याणकारी गणराज्य की मीडिया नहीं है। यह भले लिखा हुआ है कि ट्रूथ प्रिवेल्स, पर यह जो एक नई संस्कृति बना रही है दुनिया की, वो झंकार और झंझनाहट की संस्कृति है। चैन से सोना है तो जाग जाओ, यह है। इसमें सनसनी है, मेकओवर है, छवि निर्माण है, वित्तीय पूंजी है, अपराध है, सेक्स है, सौंदर्य है, और इन सब से मिलकर सत्ता बन रही है। एक मैजिक मल्टीप्लायर की भूमिका है। पहले क्या होता था, भरत होते थे, उनके 2-4 शिष्य होते थे। भरत अपने शिष्यों से के प्रश्नों का उत्तर देते थे। भरत का विश्व स्थानिक था और कुल मिलाकर एक नाट्य शास्त्र बन जाता था। हम बचपन में जब हिंदी पढ़ रहे थे और बड़े हुए तो हमने सुना कि फलाने गुप्त जी का झांसी में प्रेस था और गुप्त जी अपनी किताबें खुद छापा करते थे। मुझे तो, मैं कलम का सिपाही पढ़ रहा था, अमृत राय ने एक प्रसंग का उल्लेख किया है कि प्रेमचंद हंस में एक विज्ञापन देते हैं कि मशहूर उपन्यासकार प्रेमचंद का उपन्यास पढ़िए सिर्फ 5 रुपए में। प्रेमचंद खुद लिख रहे हैं। वहां ग्रेटनेस टिकाऊ था, बनाने में समय लगता था। आज खेल बदल गया है। आज नैतिकता, अरे साहब कहे कि नैतिकता, हर व्यक्ति की अपनी निजी नैतिकता है और नैतिकता वही चलेगी इस नई वैश्विक संस्कृति में जो पूंजी के हितों के अनुकूल होगी। हिंदी का बड़ा से बड़ा खिलाड़ी, जिसे हम लोग मानते हैं कि हम विश्वविद्यालय में जिसको चाहे कभी बना दें, क्योंकि हम पाठ्यक्रम बनाते हैं जिसकी 2-4 कविताएं लगा देंगे वो कभी हो जाएगा। बड़ा से बड़ा खिलाड़ी मैं चेला चपाटा अपनी रचनाओं को 1000 लोगों से पढ़वा पाता था। एक नई दुनिया बनी है जिसमें आप कोई एक कविता लिखेंगे आड़ी तिरछी, आपके 2-4 चेले चमचे उसे 20 जगह शेयर कर देंगे, 2000 लाइक्स आएंगी और देखते देखते आप ग्रेट हो गए। ग्रेटनेस बनाई जा सकती है। मित्रों, मैं जब ऐसा कह रहा हूं तो सिर्फ संकेत कर रहा हूं कि हम जिस नई वैश्विक संस्कृति की मीडिया में जी रहे हैं वहां प्रबंधन एक कला है। मैं तो कई बार मजाक में कहता हूं कि प्रबंधन स्वातंत्रोत्तर भारत में बचे रहने की सबसे बड़ी कला का नाम है। इसलिए आप कई बार देखेंगे कि अखबारों से संपादकों के पद गायब होते जा रहे हैं, प्रबंध संपादकों के पद आए हैं।
जो प्रबंधन के हित में है, जो बाजार के हित में है, वही समाचार है। मैं कल अजय से कह रहा था, बैठे हुए हैं, कि हिंदी के दो, अंग्रेजी के दो बड़े अखबार पढ़ने के लिए नहीं, देखने के लिए खरीदे जाते हैं। एक बड़े अंग्रेजी अखबार की तो संपादकीय नीति है कि हम किसी के मरने की खबर नहीं छापेंगे प्रथम पृष्ठ पर, क्योंकि जाने वाला तो चला गया, ग्राहक देवता है। मरने की खबर देकर हम अपने ग्राहक का दिन नहीं खराब करना चाहते हैं। हम वो छापेंगे जो गुदगुदी दे सके। मित्रों, जब आप इस नई दुनिया में पूंजी के संस्कृति की बात करें और उसके साथ हिंदी की बात करें, तो एक बात पर और ध्यान दीजिएगा। इस नई वैश्विक संस्कृति में अनुभव का झूठ समा गया है। हमारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय इस अनुभव की झूठ को व्याख्यायित करने में असमर्थ है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि विश्वविद्यालय लगभग नष्ट होने की कगार पर है। उनके दामाद मार्का गुरुजी लोग इस नए यथार्थ की व्याख्या करने में असमर्थ हैं। बाजार ने कल्याणकारी पाखंड को उड़ा दिया है। एक मार्केट ड्रिवन भाषा है, हिंदी बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, बड़ा उपभोक्ता बाजार है। हिंदी मीडिया को उसे समझना होगा और हिंदी मीडिया को यह भी समझना होगा कि एक जो नई दुनिया बन रही है वह जीवन के अभावों की कल्पित पूर्ति की दुनिया है। कल्पित पूर्ति का मतलब एक सनसनाहट से भरी हुई दुनिया। जो नई दुनिया बनेगी उसमें स्लट स्टोरी चलेगी, जो नई दुनिया बनेगी उसमें बोल्ड एंड ब्यूटीफुल चलेगा। आपकी नैतिकता को इस बोल्ड एंड ब्यूटीफुल के साथ एक संवाद करना पड़ेगा। अब ओपरा विनिफ्री शो है, डेस्परेट हाउसवाइफ्स हैं, और इनके साथ हिंदी की नैतिकता कितनी खड़ी होगी इसका भी मूल्यांकन करना होगा। यह एल्विन टॉफलर की फ्यूचर शॉक है जनाब, यह लाइफ कंडीशन है, एक फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। देखिए साहब, मैं कई बार कहता हूं, आज बेगूसराय के गांव में बैठा हुआ आदमी आपसे ज्यादा सचेत है, वो जानता है। वो कहते हैं ना, वो फलाना, आपके पास जो सूचनाएं हैं उस सूचनाओं से जो जो कि आप आज तक ज्ञान बताते रहे, जिस सूचना को अब सूचना ज्ञान नहीं है, इस नई दुनिया में व्याख्या ज्ञान है। आपके संबंध, आपकी रचनात्मकता को इस व्याख्या केंद्रित होना पड़ेगा, तभी इस नई दुनिया में हिंदी बची रहेगी, नहीं तो हिंदी की नैतिकता छुई मुई नैतिकता बनी रहेगी। मैं तो कई बार कहता हूं हिंदी के विभागों को और विश्वविद्यालयों को कि या तो आप पूंजी और टेक्नोलॉजी के साथ सामंजस्य कीजिए। हिंदी में क्या होता था, बेगूसराय से, गोपालगंज से, जौनपुर से आया हुआ व्यक्ति जब मीडिया पढ़ने आता था तो गुरु उसको समझाता था कि ऐसा करो, तुम फलाने जी पर थीसिस लिखो। वो फलाने जी पर लिखता था, हमारे गुरु तो ऐसे ही रहे, फलाने एमपी हो गए तो उन पे थीसिस लिखवा दिया। अब चार लोगों से कहा कि उस पर तुम लेख लिखो, और कुल मिलाकर एक महानता रच दी गई। नई बदलती हुई पूंजी के खेल ने बताया है कि गुरु ये तुम्हारी पॉकेट मार का महानता नहीं चलेगी, इसको बदलना पड़ेगा। विश्वविद्यालयों का विवेक ऊंट मार का विवेक होता है। जब भी कोई आंधी आती है ना, तो जैसे ऊंट अपने पेट में मुंह लगा के बैठ जाता है कि चलो आंधी गुजर जाएगी फिर उठेंगे। मुझे खुशी है कि रमा जी के प्रयास से इन ऊंटों को अपने पेट से मुंह निकालने का मौका मिल रहा है।
और इंतजार कीजिए, अगर यही नैतिकता और यही मीडिया पढ़ाते रहे देश के विश्वविद्यालयों ना विद्यालय ना, तो 20 साल बाद ये सरकारी अस्पताल की तरह होंगे, इनमें इनमें कोई जाएगा नहीं। मुझे खुशी है कि विश्वविद्यालय के एक प्राचार्य ने एक नई व्यवस्था और नई नैतिकता की बातचीत शुरू की है। आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें मौका दिया। ऐसे भी हम तैराकी के किताब लिखने वाले लोग हैं, तैराकी करने वाले लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया।